हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्शन मेन हिंदी। और आपका स्वागत है आपके चैनल में। और दिल से शुक्रिया, आपने पिछली वीडियो को काफ़ी लाइक किया, उसके लिए आपका एक लाइक आप जैसे परेशान दूसरे इंसान की हेल्प कर सकता है। जब आप एक लाइक करते हैं तो वीडियो आगे दूसरे तक पहुँचता है, और डिसलाइक करने पर वो वहीं स्टॉप हो जाता है। तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो दूसरे तक भी पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो मेरे कमेंट्स बॉक्स में बहुत आता है कि क्या एकमात्र उपाय सर्जरी है या बिना सर्जरी के भी हम अपने कान को ठीक कर सकते हैं? क्या हमें होम्योपैथिक दवाइयाँ ट्राई करनी चाहिए या एलोपैथिक या केवल दवाइयों से हमारे कान का छेद भर सकता है या नहीं? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो मैंने सोचा चलो इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक दूसरे के लिए भी अच्छा रहेगा और उनको भी ये जानकारी मिलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बेहतर ये है कि आप समझ लें कि आपके कान के पर्दे की कंडीशन क्या है, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है। तो सर्जरी के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, आज बात करते हैं कि क्या बिना सर्जरी के भी अपने कान के पर्दे को ठीक किया जा सकता है कि नहीं। तो चलिए, इसे बताने के लिए मैंने पेन और पेपर लिया है, आई होप आपको पसंद आए। तो कान की पर्दे की आप पहले कंडीशन देखिए, आपका कान का पर्दा इस तरीके से गोल होता है और उसमें होता है आपका डैमेज। अब डैमेज किस कारण से हुआ ये उसका ट्रीटमेंट भी उसी चीज़ पर डिपेंड करता है। जब आपके कान में किसी तरीके से यदि चोट लग जाती है तो इस तरीके से आपका कान थोड़ा सा फट जाता है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है। और इसके अलावा आपको कभी कोल्ड की समस्या नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, और इस तरीके का छोटा सा होल हो जाता है तो उससे आपके कान में सूजन तो आएगी, हो सकता है पानी भी आ जाए, और इससे आपको सुनने की जो सुनाई देगा वो थोड़ा कम सुनाई देगा। बट अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, इस तरीके की है, किसी चीज़ के कारण आपके कान में चोट लग गई है, या किसी ने थप्पड़ मार दिया है, या किसी ने कुछ बॉम्ब वगैरह की वजह से आपकी कान के पर्दे में डैमेज हुआ है, तो इस कंडीशन में आपका कान का पर्दा ठीक हो जाता है। उसके लिए आपको कोई मेडिसिन तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आपको मेडिसिन ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके कान में डैमेज हुआ है तो ऐसे में कई सारे बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने के खतरे रहते हैं, इसलिए आपको एंटीबायोटिक की दवा लेनी पड़ती है जो आपको लिख देता है। नहीं तो अगर आप उसको नहीं भी लेते हैं और अच्छे से केयर करते हैं अपने कान की, तो आपको 2 से 3 सप्ताह में जो आपका जो डैमेज है वो अपने आप रिपेयर हो जाता है। क्योंकि हमारे जैसे बॉडी की स्किन होती है वो बढ़ती है, उसमें चोट लगती है तो वो अपने आप भर के, जैसे आपकी बॉडी है और यहाँ आपकी चोट लगी है तो धीरे धीरे करके ये चीज़ भर जाती है, तो जो आपका जो पर्दा है वो भी आपका सही हो जाएगा। और यदि आपको किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं है तो आपको वापस से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपकी हेयरिंग लॉस होगी। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन जिन लोगों को हमेशा सर्दी रहती है, जिनको एलर्जी है या जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के कान के पर्दे की कंडीशन ख़राब है। मतलब जिन लोगों को यदि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें काफ़ी तेज़ सर्दी जुखाम हो जाता है और उसमें आपके कान के में से पानी आने लगता है, और ये कंडीशन आपकी अभी हाल ही में शुरू हुई है, तो ऐसे टाइम में आपके कान का जो पर्दा होता है यदि उसमें मान लो इतना सा छेद हो गया है, तो इसमें आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर इस कंडीशन में आपका जो पर्दा है उस पर जो इन्फेक्शन होता है, क्योंकि आपको सर्दी है तो ऐसे में आपका जो पर्दा है उनमें इन्फेक्शन ज़रूर होगा, और ऐसे में आपको दवाई ज़रूर करानी पड़ेगी। तो एंटीबायोटिक्स के द्वारा वो क्या करेगा, जो आपका जो पर्दे में इन्फेक्शन हुआ है इसको सुखा देगा। सूखने पर क्या होगा, ये इन्फेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये अपने आप भरना शुरू हो जाता है। यदि इस कंडीशन में ये अपने आप नहीं भरता है, आप इसको 6 महीने या 1 साल तक देख सकते हैं, इसमें आपको सर्जरी की इतनी जल्दी नहीं होती है। यदि आपको ये लगता है कि आपके कान में हवा चलने जैसी आवाज़ आ रही है, तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि आपका ये पर्दा नहीं भर रहा है तब वो आपका क्या करेगा, ये आपके कान के पर्दे में जो आपका छेद है यहाँ पर एक पैच लगा देगा, जिसे पैचिंग की प्रोसेस बोलते हैं।
तो ये पैचिंग से क्या होता है कि ये इस तरफ की स्किन और इस तरफ की स्किन दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो धीरे धीरे करके ये स्किन जुड़ जाएगी और आपके जो सर्जरी है बड़ी सर्जरी उसका नहीं करानी पड़ेगी। तो आप ये दूसरी इसकी कंडीशन होती है आपके कान के पर्दे की, ये आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीसरी कंडीशन तो सर्जरी ही है जो मैंने कराई है और जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब क्वेश्चन आता है कि होम्योपैथिक या एलोपैथिक कौन सी दवाएं अच्छी रहेंगी कान के पर्दे के डैमेज के लिए। तो आप कोई भी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको शूट करे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एलोपैथी ही करवानी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको होम्योपैथिक दवा या आयुर्वेदिक दवा से आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है तो आप वो भी करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करें।